दोस्तों फाइनली पहुंच गए भाई दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बने हुए स्तूप पे। तो मेरे पीछे जो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये खूबसूरत सा शहर, ये लेह शहर है जो लद्दाख की राजधानी है, लेह सिटी। और आप इधर नज़ारा देखो, पूरा नीचे जो सिटी बसा हुआ है, पेड़ पौधे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर की तरफ वहाँ पे सूखे सूखे पहाड़, लेकिन उनकी खूबसूरती भी एक अलग ही है। अभी हम लेह सिटी में रुके हुए थे, सामने लेह सिटी के बीच में हमने होटल लिया हुआ था, और अभी हम ऊपर आए, यहाँ से पूरा लेह सिटी दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे देख रहे शांति स्तूप है जो बौद्ध धर्म की निशानी है। ऊपर चले गए लेह स्तूप देखेंगे, काफ़ी फॉरनर वगैरह भी दूर दूर से घूमने आते हैं। और 30 रुपये का यहाँ पे टिकट मिलेगा, सामने गेट एंट्री पे एक बंदे का 30 रुपये पर पर्सन है। तो ये देखो वहाँ से लेके पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ना, इतना ऐसे ऊंचाई है, इधर की तरफ ऊंचाई है, ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं मकान वहाँ पे, है ना। हालांकि आगे छोटे छोटे गांव भी मिलेंगे जब आप आगे की तरफ जाओगे, काफ़ी सिटी आप ले आओगे तो काफ़ी सी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मौसम थोड़ा सा गर्म है फिलहाल तो, है ना, अभी गर्मी है, हम अभी अगस्त का महीना चल रहा है, बाकी अगर आप अक्टूबर के आसपास आओगे तो सर्दी भी मिल जाएगी। एक किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा आपको, थोड़ा 1 किलोमीटर से कम ही है, 800 मीटर के आसपास, और आप शांति स्तूप ऊपर पहुंच जाओगे। थोड़ी ऑक्सीजन के लेवल की कम है ना यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा चढ़ने में ना सांसें फूल जाती है, तो कोशिश करेंगे जो चढ़ाई वाले काम है उन्हें अवॉइड करो आप। बाकी वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती नॉर्मल बाइक में कार में। दोस्तों फाइनली पहुंच गए भाई दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बने हुए स्तूप पे, जो कहलाता है शांति स्तूप, और ये पड़ता है लद्दाख की राजधानी लेह सिटी में। लेह सिटी में बना हुआ है ये, और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये समुद्र तल से 11,606 फीट की ऊंचाई पर है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थल पर बना हुआ है। मतलब ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सबसे ऊंचे स्थल पर ये बना हुआ शांति स्तूप है। जापान में भी, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग काफ़ी रहते हैं बड़ी संख्या में, तो वहाँ उनके जो गुरु थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, भारत में नींव रखवाई थी इसकी, तो काफ़ी दूर दराज से लोग इसको देखने आते हैं टूरिस्ट। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये, लेह सिटी के बिल्कुल बीचों बीच और चोटी पे, ऊंचाई एक पहाड़ी क्षेत्र पे बनाया है इसको, ऊपर से आप देख रहे हो ये देखो। हालांकि अगस्त का महीना चल रहा है, गर्मी है थोड़ी सी, पर इतनी भी नहीं है गर्मी है। सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास मौसम डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप लेह सिटी आओ तो आप यहाँ पे इसके पास यहाँ पे आ सकते हो। और 11,841 फीट ये इसकी बारे में जानकारी है, और चारों तरफ से गोल करके बनाया गया, आप जाना चाहो तो जूते चप्पल यहाँ पे निकाल के आप ऊपर जा सकते हो इसमें। और नीचे आप देख रहे हो वहाँ पे पूरा लेह सिटी है, मैं आपको लेह सिटी भी दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा लेह शहर बसा हुआ है यहाँ तक, पूरा एक पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ आप पहाड़ देख रहे हो, उनके बीच में लेह सिटी है, और बहुत बड़े सिटी है, क्योंकि राजधानी है तो भाई सीधी सी बात है रस्तों किसी भी राजधानी में रहता ही है। पर बीच में ग्रीन ग्रीन है, पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, और ऊपर पहाड़ सूखे हैं, क्योंकि यहाँ पानी मिलता रहता है, सभी के अपने अपने मकान है तो पानी देते रहते हैं, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, सिर्फ बर्फ़ ही पड़ती है यहाँ पर, जब भी पड़ेगी बर्फ़ ही पड़ती है सीधा। इधर अपना आर्मी के ट्रक वगैरह भी जा रहे हैं, आर्मी की सिक्योरिटी बहुत है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आर्मी ने बहुत अच्छी कर रखी है, फैसिलिटी भी देते हैं यहाँ पे वो मेडिकल वगैरह, क्योंकि दुश्मन देश पास में है चाइना, तो भाई सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी। ये देखो दोस्तों आर्मी म्यूज़ियम के पास है जो लेह में पड़ता है, और ये यहाँ पे म्यूज़ियम है जो हॉल ऑफ फेम नाम से है, टिकट भी मिलता है यहाँ पर, टिकट लेके आप अंदर भी जा सकते हो, घूम सकते हो, जो आर्मी की गन वगैरह है तोहफे है, म्यूज़ियम बनाया हुआ है एक, और अपने भारतीय सेना हर वक्त यहाँ पे मुस्तैद रहती है 24 घंटे, और दुश्मन देश को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि चाइना आगे चाइना पड़ता है। ये देखो एक तोप लगाई गई है, उधर भी तोप है, उधर जीप खड़ी करी गई है, उधर कैंप है, पास में एयरपोर्ट भी, आप यहाँ से फ़्लाइट भी ले सकते हो। और ये सीधी जो रोड है आगे देख रहे हो ना आप, ये सीधा लेह सिटी जा रही है, लेह सिटी, और इधर आप चले जाओगे कारगिल श्रीनगर। तो यहाँ से अभी हम मैग्नेटिक हिल की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा बाइक या कार जो है चढ़ाई की तरफ चलती है अपने आप। तो पेज को लाइक फॉलो शेयर कर लो आप, जल्दी एक और वीडियो आपको उसके बाद सारी मिलती रहेगी। ये देखो जीप खड़ी है यहाँ पे, जिन्होंने पहले युद्ध में हमारा साथ दिया था कभी 1962 में, देखो
आगे टैंक खड़े हैं पूरा, जब से टेरिटरी बनाया है। ये देखो ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है अपना आर्मी का, जहाँ जवानों की ट्रेनिंग होती है हर तरह से। अलग टायर लगाया गया, रस्सी और अपने। तो एक व्यू पॉइंट पर रुके हैं यार, यहाँ का देखो नज़ारा कितना खूबसूरत है। एक तरफ आपको बिल्कुल ग्रीनरी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको बिल्कुल बंजर पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये प्रकृति की देन है, कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये इधर आप देख रहे हो, ये हाईवे है लेह श्रीनगर, इधर आप कारगिल जा सकते हो, इधर लेह की तरफ जा सकते हो, लेह सिटी उस तरफ है। तो रास्ते में रुके थे, ये नदी आगे की तरफ से आ रही है, जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से ये नदी आ रही है, पेंगोंग लेक की तरफ से ही। और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी हो रही है, सिर्फ हरा भरा है। देखो कह नहीं सकते क्यों, सिर्फ इतने से हिस्से में। इधर भी देखो ऊपर सूखे पहाड़ है, और इधर भी ऊपर देखो सूखे पहाड़, बिल्कुल कुछ नहीं, एक तिनका भी नहीं है घास का। और यहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधे भी खड़े हैं, गायें भी चल रही हैं, यहाँ पे हरा चारा भी चल रही है, और नदी बह रही है और आगे की तरफ जा रही है। अभी हम मैग्नेटिक हिल की तरफ जाएंगे। तो हम तो पहुँच गए हैं संगम व्यू पॉइंट पे, जो यहाँ का एक काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है। ये आप देख सकते हो, ऊपर से आए थे हम, घूम के नीचे आए लेह से। ये संगम पॉइंट है, जो आप ये देख रहे हो जंस्कार नदी आ रही है, जैसे जंस्कार आ रही है और वो इंदुस नदी आ रही है। तो जंस्कार नदी इंदुस में मिलती है और फिर आगे ये इंदुस बन जाएगी, वो आगे बहके जा रही है उधर उस तरफ आप देखोगे ना, तो वो उधर इंदुस बन जाएगी एक, यानी नाम उसका इंदुस हो जाएगा और ऊपर से भी इंदुस आ रही है, ये जंस्कार है। तो दोनों का संगम होता है। ये आगे से पेंगोंग लेक की तरफ से आ रही है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो भी उधर की तरफ से आ रही है। काफ़ी तेज़ बहाव है इनका। आप ये देखो सूखे पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल जैसे बंजर पहाड़ों के बीच में नदी, आप पानी दिख रहा है एकदम, प्रकृति का भी अद्भुत नज़ारा है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे देखो आए भी हुए हैं व्यू पॉइंट के लिए। और BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू इन्जॉय द राइड। इसका प्रोजेक्ट का नाम दिया था योजक, योजक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। तो अभी हम लेह वापस जाएंगे, आज रात का स्टे हमारा लेह में ही होगा, फिर वहाँ से हम नुब्रा वैली पेंगोंग की तरफ निकलेंगे। ऑक्सीजन की यहाँ कमी सी है, अगर आप ज़्यादा चल लेते हो ना तो सांस फूलने लगती है, आदत नहीं है ना। तो नए एकदम आप मौसम में आते हो तो उस चीज़ की आदत नहीं होती, एडजस्ट होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो आप बाइक से चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कार चलते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पैदल ज़्यादा चल लेते हो तो सांसें चढ़ने लगेगी आपको। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं चलना आपको, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम हो ज़्यादा नहीं चलना आपको, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलने के बाद ही ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होती है, बाकी नॉर्मली कार से बाइक से घूमने में आपको कोई ऐसा महसूस नहीं होगा, आप बेफिक्र आ सकते हो। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है ये, देखो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। मिलते हैं नई वीडियो में।